पुलवामा की घटना ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। आज बरेली में बड़ी श्रद्धांजलि का आयोजन हमने किया था, जिसमें बरेली के प्रसिद्ध और अच्छे समाज सेवियों ने यहाँ पर शिरकत की है, और जो भारतीय सैनिक हमारे शहीद हुए हैं पुलवामा में, उनको खिराज अकीदत भी हमने दुआ की है कि शहीदों के जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं, उनको अल्लाह ताला सब्र दे, हिम्मत दे, यही हम इस कामना के साथ हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अब बरेली का ये गांधी उद्यान है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने खिराज अकीदत पेश की। आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे सरहद पे वीर जवान जो हैं, जो हमारे देश के लिए मर मिटते हैं, उनको शहीद कर दिया गया, उसके लिए हम सभी लोग शोक में हैं, गम में हैं, बड़ा गमगीन माहौल है। पूरे भारत में शोक की लहर फैली हुई है। यह आतंकवाद को जड़ से मिटना चाहिए, जो इसके पीछे ताकते हैं उनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहिए। एक ज़माना हो गया कि हम लोग आतंकवाद को झेलते झेलते थक गए हैं, अब अति हो गई है, हद हो गई है, अब इसका खात्मा होना चाहिए, और जो इसके इसके जिसके भी इसके पीछे जिसका हाथ है उनको जड़ से ख़त्म करना चाहिए, उनको हमला करना चाहिए, उनका सफाया कर देना चाहिए। आज हम लोगों ने अपने देश के वीर जवानों की शहादत पर यहाँ पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस्तेमा किया ये, और हम सरकार से मांग करते हैं, हमारे यहाँ बरेली में छोटे छोटे संगठन हैं जो देश हित में और जनहित में काम करते हैं, मिसाल के तौर पर जन सेवा टीम है या हमारी बरेली हज कमेटी है, हम लोग इंसानियत के काम करते हैं। हमारे ग्रुप माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि हम लोगों को बॉर्डर पे भेज दिया जाए, हम अपने फौजियों की मदद करेंगे और आतंकवादियों को कुचल कर